नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद मोस्ट वांटेड इनामी अपराधी प्रशांत सिंह का एनकाउंटर कर दिया है। मंगलवार देर रात पुलिस और कुख्यात बदमाश प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस के बीच भिड़ंत हो गई। प्रशांत सिंह ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, इसके बाद उसका एनकाउंटर शुरू हो गया। प्रशांत सिंह पर हत्या और डकैती के 40 से अधिक केस दर्ज हैं। वह लंबे समय से वांटेड था। पुलिस ने बदमाश के पास से असले और एक बाइक भी बरामद की है। यूपी में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही कानून व्यवस्था में बाधक बन रहे अपराधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है। सहागंज थाना क्षेत्र में 13 मई को आशुतोष श्रीवास्तव का मर्डर हुआ। इस हत्याकांड का आरोप प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस समेत उसके साथियों पर लगा। प्रशांत सिंह ने इससे पहले भी कई हत्याएं और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया था। पिछले 7 सालों से अधिक समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। प्रिंस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस वहां पहुंची तो प्रशांत के साथ मुठभेड़ हो गई। प्रशांत ने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, इसमें प्रशांत का एनकाउंटर हो गया। गोली लगने से प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई थी। एनकाउंटर में मारे गए इनामी बदमाश के पास से पुलिस को 9 mm के 2 असले मिले। उसके पास एक बाइक भी बरामद की है। तब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार एक्शन में आ गई है और मोस्ट वांटेड बदमाश का एनकाउंटर कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।